दोस्तों, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना, और आज हम लोग आए हुए हैं प्रसाद लेने के लिए, फल लेने के लिए। इस वक्त मैं हूँ गांधी मैदान, यहाँ फल मार्केट लगा हुआ है। यूँ तो दोस्तों हर बार हमेशा फल मार्केट जो हमारे गया के केदारनाथ मार्केट में लगता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, इसलिए जो गया प्रशासन है उन्होंने ये किया है कि इस मेले को कहाँ लगाया, गांधी मैदान में लगाया, ताकि भीड़ थोड़ी कम हो सके। यूँ तो दोस्तों आपको गया के हर मोड़ पर जो है ये फल मार्केट देखने को मिल जाएगा, हर एक मोड़ पर आपको फल की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ गांधी मैदान में चूंकि बड़ी एरिया है तो यहाँ पे लोगों ने मार्केट लगाया है ताकि लोगों को आसानी से फल प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये मार्केट यहाँ कैसा लगा हुआ, आइए। और इस वक्त हम लोग चल रहे हैं मार्केट के अंदर यानी गांधी मैदान के अंदर, ये पूरा मार्केट यहाँ लगा हुआ है। आज ही हम लोग करेंगे फल की खरीदारी कल के पूजा के लिए, कल और परसों जो अर्घ देने के लिए जब हम लोग घाट पे जाएंगे उसके लिए। काफ़ी बढ़िया दोस्तों यहाँ मार्केट काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर किस तरह के इंतज़ाम किए हुए हैं। जगह जगह पर पूरी मार्केट लगी हुई है, आप एंट्री करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से अंदर आए हैं, इस गेट से भी हम लोग अंदर आए हैं यहाँ से, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ भीड़ लगी हुई है। धन्यवाद आप सबका। हर साल की तरह इस बार भी छठ में हम लोग मोजी बाबू के तरफ से सारे पब्लिक को फ्रूट के कमी नहीं होने दिए। चलिए क्या बात है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अमन खड़ा है, अमन ये कुछ फल लेकर के हमारे साथ खड़ा है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास सेव की पेटी जो वो हमने ले ली है, और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग लेंगे। कैसा लग रहा है मन? बहुत सही, फल का खरीदारी करके पहली बार आ रहे हैं गांधी मैदान। अच्छा, ये अमन का फर्स्ट टाइम है। यूँ तो हर साल यहाँ गांधी मैदान में ही, पिछले कई सालों से गांधी मैदान में ही मार्केट लग रहा है, अमन इस बार फर्स्ट टाइम आया हमारे साथ गांधी मैदान मार्केट में फल की खरीदारी करने के लिए। अभी हम लोग पानी फल सिंघाड़ा ले रहे हैं। अरे जिया जी कुछ कुछ सामान ले ले रहे हैं पारण के लिए भी। इस पूजा में आदि, हल्दी, गाजर ये सब कुछ पत्ते के साथ ही चढ़ता है, इसलिए यहाँ पर आपको हर जगह पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, हर एक शॉप में ये देखने को मिलेगा। आप मेरे पास टोटल जितना भी सूप में चढ़ने वाला सारी फल अवेलेबल, सूप में चढ़ने वाला जितना फल है सब अवेलेबल है यहाँ, देख सकते हैं दोस्तों। गांधी मैदान से एंट्री करेंगे आप तो आपको ये डायगोनली, जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से, आप ये गांधी मैदान का एंट्रेंस है, और यहाँ से आएंगे तो आपको ये दुकान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसके बाजू में ही और भी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे हर फल मिल जाएगा आपको, सेव, संतरा, पानी फल और गाजर, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब उपलब्ध है। आप जब आएंगे गांधी मैदान तो ज़्यादा दूर नहीं है, गांधी मैदान एंट्री करेंगे आप, वहाँ से डायगोनली आएंगे तो आपको भैया यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम MD तस्लीम हुआ। चलिए, और अभी ये आज कल आपको लगातार यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ आकर ज़रूर विज़िट करें और छठ का प्रसाद, छठ का फल यहाँ ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ ठीक है, पहले रुक जा, इन्हीं का दुकान है ये। हाँ, यूट्यूब पर डाल लेना। और इन्हीं से ले रहे हैं हम लोग संतरा, एक कैरेट सस्ता, एकदम सस्ता। आप अगर आते हैं यहाँ तो गांधी मैदान से सीधा आएंगे, मंडप के ठीक पास में आपको ये दुकान देखने को मिल जाएगा।
यहाँ से आप ले सकते हैं इजीली। यहाँ पे संतरा वगैरह सब आपको मिल जाएगा। और हमारी सारी शॉपिंग हो गई है लगभग, अब सिर्फ केतारी और केला रह गया है लेना, बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे सब कुछ हो चुका है रेडी। बहुत बहुत और बाकी है भाई, हाँ छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी है भाई, बाकी सब तो हम लोग यहाँ से ले चुके हैं ना। देखो दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं। अरे वैसे नहीं, पहले ये है संतरा है। हाँ ये संतरा हो गया, भरपूर संतरा है, भरपूर मात्रा में है। उसके बाद हाँ, और ये हो गया आपको, इसमें खीरा, इसमें गाजर है, आधी है, हल्दी है, और इधर सेव है, सेब का पेटी है ये, और ये हो गया महताब, महताब, और भी इसमें बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है। और नीचे यहाँ झोला में ही आपको और भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अभी सिर्फ रह गया दोस्तों हमारा केतारी और केला, और जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई है वो हम लोग अभी आगे जा करके और उसको लेंगे। यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, यहाँ से हम लोग निकलेंगे क्योंकि हम लोग को केला जो है वो केदारनाथ मार्केट से लेना है। और सब सामान हम लोग यहाँ टोटो पे लोड कर रहे हैं ई रिक्शा पर। ये भाई को लगातार बार बार इसको कैमरे में आना है, बार बार हाथ हिलाया जा रहा है अपना। और अभी हम लोग गांधी मैदान से फल लेकर के निकले हैं और अब जा रहे हैं हम लोग केदारनाथ मार्केट, वहाँ से हमें केला और शरीफा जो है वो लेना है। यहाँ पर शरीफा मिल रहा था लेकिन बहुत थोड़े कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग केदारनाथ मार्केट चलते हैं और वहीं से शरीफा लेते हैं। और थोड़े बड़े बड़े साइज़ भी थे तो ज़्यादा हेवी लेना बेकार है, छोटे छोटे साइज़ लेंगे, अच्छे लेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ मार्केट की तरफ। इस वक्त हम लोग काशीनाथ मोड़ पर, आप देख सकते हैं काशीनाथ मोड़ है, और दिखाते हैं आपको कि केदारनाथ मार्केट में किस तरह की भीड़ होती है। ये हमने आपको दिखाया गांधी मैदान पे, गांधी मैदान पे कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो यहाँ भीड़ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन केदारनाथ मार्केट थोड़ा छोटा है, कंजस्टेड है, तो वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ मार्केट की तरफ। ये केदारनाथ मार्केट का सब्जी मार्केट है जहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं। इस वक्त हम लोग नींबू ले रहे हैं पारण के दिन के लिए, शरबत बनता है उसके लिए। और इधर पूरा का पूरा सब्जी मार्केट है, इनका नाम है रामनाथ कन्हाई केदारनाथ मार्केट में, इन्होंने अपना फल का दुकान लगा रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर शकरकंद, पानी फल, संतरा, अमरूद और सेव सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। और सेव का पूरा दुकान आप पीछे देख सकते हैं, ये इनका यहाँ दुकान लगा रहता है हमेशा भी, तो आप नॉर्मल डेज में भी आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा चीज़। आगे हम लोग आगे दोस्तों केला लेने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पर केला पूरा लगा हुआ है। अच्छा केला पसंद आएगा तो हम लोग यहीं से केला लेंगे। ठीक है भाई, केला हो गया, ये केला ही फाइनल हुआ है दोस्तों। एम पी तो खा रहा है केला, और अब रह गया शरीफा केवल लेना है, शरीफा मूली, शरीफा और मूली, हाँ मूली भी रह गया था। शरीफा पीछे है, पूछिए। भाई यही होता है केदारनाथ मार्केट, इसी कारण से इस मार्केट को ना गांधी मैदान शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें स्टक हो जाती है। आप देख सकते हैं बीच में एक गाड़ी खड़ी है और ये रुक गई है। और हमारी शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने सब फल ले लिया है, सेब, केला, संतरा, अनानास, केतारी, एवरीथिंग, वो हर चीज़ जो चाहिए, किशोर, बेर, गाजर, आदि, हल्दी, हर एक चीज़, पानी फल, सिंघाड़ा, शकरकंद, अमरूद, टोटल चीज़ हमारी हो गई है। और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ सामान को लेकर, क्योंकि एक गाड़ी जो हमारी गांधी मैदान से है वो निकल चुकी है, उस पर अमन गया है सारा सामान लेकर के, और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से। एक सामान जो है, कुछ सामान जो है वो ये लेकर जाएगा घर स्कूटी पर, क्योंकि स्कूटी पर सामान आ जाएगा तो ये लेकर जाएगा, और मैं और जिया जी जाएंगे, और कुछ सामान जो रह गया घर के लिए पूजा के लिए कुछ कुछ चीज़ें वो हम लोग लेंगे। ये एक मार्केट का माहौल होता है, 200 रे 200 रे, 200 रे का मतलब बता। अगर दोस्तों आपको पता तो बता देना आपने कमेंट में। अंकित थोड़ा थक गया इसलिए हम लोग का मदद ले रहा है रेस्ट कराने के लिए, थोड़ा सा कंधे पे ले लो अंकित, आसान होगा।